इंदौर ऑनलाइन ठगी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। ताज़ा मामले में एक युवक ने अपने आप को आर्मी का अधिकारी बताकर युवक के साथ ऑनलाइन ठगी की है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है। इंदौर के मालवीय नगर गणेश धाम में रहने वाले भगवती प्रसाद जोशी के साथ आर्मी अधिकारी बताते हुए 2,09,000 रुपए गाड़ी के नाम पर दिलाने की ठगी हुई है। पीड़ित भगवती प्रसाद ने बताया कि एक युवक ने अपने आप को आर्मी अधिकारी बताकर उन्हें फोन किया और गाड़ी बेचने की बात कही। अपने आप को ठग ने आर्मी अधिकारी बताते हुए परिचय पत्र भी व्हाट्सएप किया, जिस पर झांसे में आकर भगवती प्रसाद द्वारा गाड़ी का सौदा किया गया। इसके बाद पीड़ित ने कथित आर्मी अधिकारी को अपने अकाउंट से करीब 15 से 16 बार किश्तों में 2,09,000 रुपए देते रहे। भैया बताइए किस प्रकार से आपके हाथ में ऑनलाइन ठगी हुई है? ऑनलाइन ठगी इस प्रकार हुई, भैया के इंदर सिंह नाम था उसका, और बोलता मेरी आल्टो K10 गाड़ी है, कार है, जिसका अमाउंट आपको 80,000 ही पे करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और उसके बाद मेरे से 2,09,000 रुपये वो ले चुके हैं, अभी उनके अकाउंट में चले गए। संपर्क तो मेरा फ़ोन पर ही हुआ था, फ़ोन आया था उनका कि सर ये गाड़ी बेचना है मेरे को, और आपको जो सस्ते में मिल जाएगी और गाड़ी अच्छी, और आर्मी का बंदा हूँ, भगवान पर विश्वास करिए, आपको गाड़ी मैं पहुँचा दूँगा। और 3 आदमी ने भी फ़ोन पर बात करी, आर्मी का हॉर्न जो बनता वो भी बजा उनकी गाड़ी पर। और सर बाद में मैंने एक दिन दो दिन रुका, उसके बाद बोला पे करो, तो मैंने फ़ोन पे करा सर, एक बार गूगल पे 11,000 करे, ऐसा 16 डिजिट में मैंने अपने अमाउंट उनको पे करा सर। अब पे करा तो सर मैंने भी कल फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन ही बंद आया, बोला मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मैं आर्मी में हूँ, आपका पैसा कहीं भी नहीं जाएगा, आपका पैसा बराबर जाएगा, आप कंप्लेन करोगे कहीं तो भी हम पकड़ा जाएंगे और आपका पेमेंट करेंगे। जिस पर भगवती प्रसाद द्वारा 2,09,000 रुपए देने के बाद भी ना तो गाड़ी दी गई, ना ही पैसा वापस लौटाया गया, और संपर्क करने पर अधिकारी द्वारा फोन भी बंद कर लिया गया, जिससे पूरे मामले की शिकायत इंदौर DIG मनीष कपूरिया और थाना भरकुआ पर की गई। हालांकि इंदौर IG ने माना कि साइबर ठगी में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यह पूरा नेटवर्क एक संगठित गिरोह चला रहा है, और ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन द्वारा ऑनलाइन ठगी करने वालों पर कार्रवाई करती है, या फिर आने वाले समय में ऐसे ऑनलाइन ठगी करने वाले बेहिचक आम जनता को लूटते हुए अपना काम निकालते रहेंगे। साइबर अपराधों में खास बात है कि देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ ऐसे साइबर अपराधी केंद्रित हो गए हैं, संगठित हो गए हैं, जो कि एक खास तरह के अपराध उस इलाके में करते हैं। जैसे कि पिछले दिनों राजस्थान के कुछ हिस्सों से ऐसे गिरोह को पकड़ा गया जो आर्मी के अपराधियों की वेशभूषा में चीज़ों को OLX जैसे साइट पर जाकर के बड़े कम दामों में बेचने की बात करते थे, और आम आदमी उनके भरोसे में आकर के जब चीज़ों को खरीदने की बात करता है, पैसे जमा कर देता है, तब उसको इस बात का आभास होता है कि वो ठगा जा चुका है। तो मुख्य तौर पर इस तरह की घटनाएं, अभी हाल में पुलिस ने एक ऐसा गैंग पकड़ा है जिसमें इसका कहना है कि उस तरह के आसपास के गांव में 4,000 उस तरह के साइबर क्रिमिनल्स मौजूद हैं, 4 से 5,000 की संख्या बताई गई। तो इतनी बड़ी संख्या में ऑर्गेनाइज्ड स्वरूप साइबर क्राइम देखा जा रहा है कि पुलिस के लिए चुनौती है। अभी 3 दिन पूर्व यहाँ पर हम लोगों ने एक जोन लेवल की एक कार्यशाला भी आयोजित की गई, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किया गया, ताकि हमारे जो एक निचले स्तर तक के सभी अधिकारी उत्तर में इसकी चुनौतियों से तो वाकिफ रहे ही, इसे लड़ने के लिए भी पर्याप्त। MP ब्रेकिंग के लिए इंदौर से आकाश धुरपुरे की रिपोर्ट।